हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल से हमने आपका ये बैच शुरू कर दिया जिसका नाम है सरस्वती बैच। ये बैच आपका कल से शुरू हो गया था। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम आपके टॉपिक 1 फरवरी से शुरू कर देंगे और हमने वो टॉपिक शुरू भी कर दिया है। कल हमने सेल बायोलॉजी में जो सेल से संबंधित जो बेसिक पॉइंट है, सेल थ्योरी किसने दी थी, निर्जीव कोशिका की खोज किसने की, सजीव कोशिका की किसने की थी और सेल थ्योरी के क्या अपवाद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उस वीडियो को पहले देखें, वीडियो नंबर 1, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगी ऊपर। तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद वीडियो नंबर 2 को देखें। और देखो, इस बात को ध्यान रखें, हम बहुत ही डिटेल से ले चलेंगे, बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक ले चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। 2021 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे CPNET, BSc नर्सिंग, BHU, फार्मेसी, पैरामेडिकल, GSBM कानपुर, यानी सबका सिलेबस एक ही होता है, सिलेबस सबका एक ही होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा, मेहनत कीजिए जिससे आपका 2021 में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उसके साथ साथ शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिका की आकृति और आकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसे ही बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, वो भी विगत फिगर के साथ, फिगर भी हम लेकर आए, फिगर के साथ आपको बाकायदा बताएंगे, समझाएंगे। और जो भी पॉइंट हम बताया करें उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लिया करो, जिससे एग्जाम टाइम उसे अच्छे से रिवाइज करो। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट बायोलॉजी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को भी शेयर करें, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ सकें और इस बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े और उनकी तैयारी हो सके। आशा करती हूँ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करोगे आज। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले शेप एंड साइज, कोशिका की आकार और आकृति क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं, देखिएगा, ध्यान रखें इस बात का कि हम जो भी पॉइंट आपको बताएंगे वो सभी पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही डिटेल से चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विभिन्न कोशिकाओं की आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, लाल रक्त कोशिकाएँ, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, जो RBC होती है उसकी आकृति कैसी होती है, तो उसकी आकृति उभयाभ अवतल होती है, वाई कोन कैव होती है, कैसी होती है, वाई कोन कैव होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कैसी होती है, लाल रक्त कोशिकाएं जो RBC होती है उनकी जो आकृति होती है वो उभयाभ अवतल होती है, कैसी होती है, उभयाभ अवतल यानी वाई कोन कैव होती है। बात करते हैं तंत्रिका कोशिका, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जिसे कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो उसकी आकृति लंबी पतली व शाखावंत होती है, यानी ब्रांचेस होती है। तंत्रिका कोशिका आपने देखी होगी, चित्र उसका देखा होगा, तो उसकी आकृति जो होती है वो बहुत सारी उसमें शाखाएं निकलती हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जीवाणु कोशिका, जीवाणु की जो कोशिका होती है वो रॉड यानी छड़ के आकार की होती है, जीवाणु की जो कोशिकाएं होती है वो किसके आकार की होती है, तो रॉड या छड़ के आकार की होती है। परागण जो पॉलीग्रेन्स होते हैं उनके आकृति कैसी होती है, परागकण की, तो परागकण की जो आकृति होती है वो गोलाकार और कांटेदार होती है, कैसी होती है, गोलाकार या कांटेदार होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो आपका है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं की आकृति पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इतना हम आपको बता देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में न छूटे, जब कोई चीज़ आप डिटेल से पढ़ोगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और ये पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट लगे तभी हम आपके लिए लेकर भी आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका, ये पॉइंट पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु की होती है, ऐसा जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है,
ऐसा जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, और इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और किसकी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? तो माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है और बिना ऑक्सीजन के जीवित भी रह सकता है, उसके ऊपर कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। पॉइंट नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या है? सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी जो पादप कोशिका होती है वो जलीय शैवाल की होती है। ये पॉइंट आपको न्यू मिलेगा। सबसे बड़ी पादप कोशिका किसकी है? तो कॉलिप्रोटैक्सीफोलिया की है। कॉलिप्रोटैक्सीफोलिया एक प्रकार का जलीय शैवाल है, जल में पाया जाने वाला एल्गी है, जिसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका यदि आपसे पूछी जाए तो जलीय शैवाल एक होता है जिसकी होती है। कम से कम कितनी होती है? तो 6 से लेकर 12 इंच। कितनी होती है? 6 से लेकर 12 इंच तक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जानकारी होना अति आवश्यक है हर चीज के बारे में, ठीक है। जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी किसी चीज़ के बारे में तो आप एग्जाम में भी उन या उससे संबंधित पॉइंट आते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे बड़ी कोशिका या जीवों में पूछी जाए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ये तो पॉइंट आपको पहले से पता होगा लेकिन हम लेकर आए हुए शुतुरमुर्ग के अंडा की। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, 15x13 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई इनकी देखी जाए तो 15x13 होती है। इनका वजन देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका वजन यदि आपसे पूछा जाए तो 1.4 kg लगभग होता है। 1.4 kg इसका वजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, लगभग 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर इस लगभग होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की ये सबसे छोटी इकाई यदि आपसे पूछा जाए तो न्यूरॉन होती है, और ये सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है, जो लगभग 1 मीटर होती है। कितने मीटर? 1 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं मानव में देखा जाए तो पुरुष में सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव में देखा जाए, सॉरी इस पर टच करते वो तुरंत ऊपर हो जाता है, कोई बात नहीं। मानव में देखा जाए, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो मानव में देखा जाए सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में होती है, वो भी शुक्राणु। शुक्राणु जो स्पर्म होता है वो मानव में देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका इसकी होती है। सबसे छोटी कोशिका यदि मानव में आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? शुक्राणु यानी स्पर्म को बताओगे। सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए मानव में तो महिलाओं में होती है, वो भी कौन सी? अंडाणु। अंडाणु जो होता है, जो ओवम होता है, उसकी सबसे बड़ी कोशिका मानव में होती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना और नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, कल की पीडीएफ हमने डाल दी थी, जिसने ना देखी हो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अब बात आई हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका पर। हमने आपसे बोला था कि सबसे पहले हम उसकी आकार आकृति पर बात करेंगे, उसके बाद हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट आज हम पूरे डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट आपको बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक कोशिका से आएगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, ये हमारा वायदा है आपसे, ठीक है। तो बात करते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार देखा जाए केंद्रक की संरचना के आधार पर, केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका को दो प्रकार में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको पता होगी, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे हम पूर्व केंद्र की कोशिका कहते हैं, कहा जा सकता है, या हिंदी में पूछा जाए आपसे कभी कभार आ जाता नाम कि पूर्व केंद्र की कोशिका क्या होती है, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में पूर्व केंद्र की कोशिका कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में सुकेंद्र की कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकेंद्र की कोशिका कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, विद फिगर के साथ अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्या नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लगातार हमारे साथ देखते रहिएगा अच्छे से, और पॉइंटों को समझिए, जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका।
सबसे पहले आज बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोष का और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे उसमें बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जब आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो अच्छे से आपकी वीडियो और आगे की जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे मेन तो सेल ही होता है, क्योंकि सेल ही के बारे में जब आपको पता नहीं होगा तो बाकी चीज़ के बारे में क्या पता होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उस ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। ग्रीक भाषा का शब्द है ये, पहली बात याद रखिए। पूछा जा सकता है प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, और ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्रो प्लस कैरियन। प्रो प्लस कैरियन, प्रो का मतलब होता है पहले यानी ओल्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और पहली बात याद रखिए, यूकैरियोटिक कोशिका से पहले जो कोशिका बनी थी, वो सबसे पहले जो कोशिका हमारी पृथ्वी पर आई थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही थी। पूर्व की कोशिका, पहले सबसे पहले जो कोशिका बनी थी वो कोशिका कौन सी कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका ही थी, क्योंकि सबसे पहले जो जीव आए थे वो जीवाणु ही आए थे। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो जीवाणु ही होता है, उसका अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु को ही कहा जाता है, और सबसे पहले पृथ्वी पर जो जीव आए थे वो यही आए थे। और सबसे पहली कोशिका पूछी जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो सबसे पहले जो कोशिकाएं बनी थी वो प्रोकैरियोटिक यानी सबसे पुरानी कोशिकाएं जिन्हें हम कह सकते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही बनी हुई थी। तो ये ओल्ड यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी हैं, ओल्ड कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं बनी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, क्या होता है, अभाव होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है या केंद्रक का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कैसे अंतर किया ये हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका हमारी, इस कोशिका में ये केंद्रक है, तो केंद्रक के ऊपर क्या होगा, इसमें जो केंद्रक होगा उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, केंद्रक झिल्ली प्लस केंद्रिका भी नहीं होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो भी इसमें नहीं पाया जाता है। इसी आधार पर हमने इसको अलग किया हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता स्पष्ट, जैसा केंद्रक यूकैरियोटिक में होना चाहिए वैसा केंद्रक भी नहीं होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या नहीं होता ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली प्लस केंद्रिका इसमें अनुपस्थित होती है। तो ऐसी कोशिकाओं जिनमें ये चीज अनुपस्थित हो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यानी इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक रूप जो केंद्रक झिल्ली होनी चाहिए, केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से आएगी और केंद्रिका कहाँ होगी। लेकिन इनका जो गुणसूत्री डीएनए होता है वो कहाँ होता है वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की, तो इनका उदाहरण क्या क्या है, तो जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु ही है। ठीक है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं यानी उदाहरण हैं। तो याद कर लें किन किन में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं, देखो इसका फिगर हम लेकर आए और इस फिगर के जो भी पॉइंट हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जीवाणु का फिगर है। किसका फिगर है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है, तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया का फिगर है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है, तो देखो अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी जो जीवाणु जो होता है वो याद रखिए वो तीन, सबसे पहले एक ही पॉइंट पर बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है, जो जीवाणु होता है वो तीन परतों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली परत जो होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहली जो परत होती है उस परत को कहते हैं हम क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, अभी हम आपको पॉइंट लेकर आए वो हम बताएंगे, लिखे हुए पॉइंट लेकर आए। ठीक है, तो सबसे पहली जो परत होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद जो परत होती है उसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। जो ऊपर वाली परत होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। अब उसमें यदि परत उसकी हार्ड है, परत यदि उसकी लेयर है जो हार्ड है तो उसे कैप्सूल कहा जाता है, और परत यदि मुलायम है, सॉफ्ट है, तो उसे स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो इसकी जो परत है वो स्लाइम लेयर, तो इसलिए कैप्सूल या स्लाइम लेयर कह सकते हैं। हार्ड है यदि परत उसकी हार्ड है, कठोर है, तो उसे हम कैप्सूल कहेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, और यदि उसकी परत बहुत ही सॉफ्ट है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर। तो जीवाणु में कितनी परतें पाई जाती, जीवाणु में तीन परतें पाई जाती, पहली कैप्सूल या स्लाइम लेयर जिसे कहते हैं, दूसरी हमारी सेल वॉल और तीसरी हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो एक बात याद रखें, जीवाणु जो होता है जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें जो कोशिकांग जैसे झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का अंतःप्रद्रव्य जाल का ये कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम आगे लेकर आए हुए वो भी पॉइंट आपको बताएंगे अभी, ठीक है, लिख के लाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें राइबोसोम के अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता। राइबोसोम होता है उसके साथ साथ कुछ रिक्तिका यानी वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं, वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म होता है इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड का मतलब होता है जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त डीएनए। जीवाणुओं में पाया जाने वाला जो अतिरिक्त वृत्तीय डीएनए होता है उसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। न्यूक्लियोड क्या होता है? तो न्यूक्लियोड का यह मतलब देखो यहाँ पर केंद्रक तो होता नहीं है, जो जीवाणु होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक तो पाया ही नहीं जाता है, तो उनमें जो गुणसूत्री डीएनए होता है जो डीएनए होते हैं डीएनए के जो अण होते हैं वो जिस जगह पर बिखरे हुए होते हैं, जिस जगह पर बिखरे हुए होते हैं उसे ही न्यूक्लियोड या केंद्रक काव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र, हिंदी में कहा जाता है केंद्र काव, सॉरी हिंदी में इनको कहा जाता है, हम यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लियोड को हिंदी में कहा जाता है केंद्र काव। पूछा जा सकता है केंद्र काव क्या है? तो केंद्र काव का मतलब होता है जिस जीवाणु में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिस जगह पर गुणसूत्री डीएनए बिखरे हुए होते हैं उसे ही हम केंद्र काव कहते हैं। बात करते हैं इंक्लूजन क्या होता है, तो इंक्लूजन का मतलब होता है, इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है इसमें बहुत सारे ग्लाइकोजन, क्योंकि बैक्टीरिया का जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है, बैक्टीरिया का जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, तो इसमें ग्लाइकोजन भी के अणु पाए जाते हैं, फास्फेट के अणु भी पाए जाते हैं और साइनोग्रेनुल्स के अणु भी पाए जाते हैं। तो इनको संयुक्त रूप से इन सही जो कड़ आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे ये ग्लाइकोजन के अणु हैं और फास्फेट के अणु हैं, तो इनको संयुक्त रूप से इंक्लूजन कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इनमें बहुत सारे अणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे कड़ पाए जाते हैं और वो भी किसके? ग्लाइकोजन के होंगे कुछ, कुछ फास्फेट के होंगे, कुछ साइनो ग्रेनुलर्स होंगे, तो इनको संयुक्त रूप से इंक्लूजन कहा जाता है। फ्लेंजा, ये फ्लेजियम क्या होता है? तो फ्लेजियम का मतलब होता है, अब बात करते हैं फ्लेजिलम। फ्लेजिलम का मतलब होता है कसाब का। जो इनमें कसाब होते हैं वो क्या करते हैं? ये चलने में सहायक होते हैं। जो कसाब आपको दिखाई दे रहे हैं ये चलने में सहायक होते हैं, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में बहुत सारे भी होते हैं, कोई इनका निश्चित नहीं है। अब इसमें एक ही आपको दिखाई दे रहा, कुछ में दो होते हैं, तो इस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है? फ्लेजिलम कहा जाता है, जो चलने में सहायक होते हैं। एक पॉइंट और इसमें रह गया, जैसे कि इसमें होते ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे ये नज़र से आ रहे होंगे इधर, वो उनको कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है? सीलिया। और इसमें पिली और पाए जाते हैं। पिली का मतलब होता है जो जनन में सहायक होते हैं। पिली क्या होते हैं? जनन में सहायक होते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर जो चित्र में नहीं दिखाया गया वो और आपको हम बता देते, और जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सभी आगे आपके लिए लेकर आए हुए, उनको अच्छे से देख कर ही जाना। इसमें क्या होता है? मीसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है? पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर जीवाणु, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें पाई नहीं जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर इसमें क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर इसमें मीसोसोम पाए जाते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? इनफोल्ड होके यानी अंतर्वलित होकर इसमें क्या होती है? मीसोसोम का निर्माण करती है। और मीसोसोम क्या करते हैं? ये श्वसन संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनको पूरा करते हैं। यदि यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो उसमें तो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया करती है श्वसन का कार्य, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया न होने के बाद एक और कोशिकांग इसमें छोटा सा होता है जिसे कहते हैं मीसोसोम, जो श्वसन संबंधी कार्य करता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मीसोसोम को हिंदी में मध्यकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकाय कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट। प्लाज्मिड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त डीएनए। देखो एक डीएनए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम आपको नजर में आ रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा भी ये पाया जाता है, तो उसके अलावा जो डीएनए होता है उसे ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। चलिए पॉइंट देखते नेक्स्ट।
देखिएगा, हम आपके लिए एक चित्र और लेकर आए थे, जैसे कि ये आपको बताया था पिली। पिली जो होता है आपको थोड़ा कम नज़र में आ रहा होगा, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है जिसमें जीवाणु का चित्र है। जो आपको ये धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही हो, ये आपके क्या है, डीएनए, और ये केंद्रक द्रव भरा हुआ है, ये इसके पिली है, जिन्हें हम सीलिया भी होते हैं, उसमें पिली भी होते हैं। पिली का काम होता है जनन में सहायक, जनन क्रिया में सहायक होते हैं ये। और ये प्लाज्मा झिल्ली है इसकी, कोशिका भित्ति है, कैप्सूल है, और ये कसाब है जिसे फ्लैंजलम कहा जाता है, जो चलने में सहायक होता है। हम आपको समझा चुके, अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पोंट पर। पोंट देखिए, केंद्र का क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो केंद्रक के सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं जिसे केंद्र काव कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया केंद्र काव क्या होता है, तो केंद्रक के सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं जिसे हम केंद्र काव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे पहले कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उसके बाद कोशिका भित्ति, उसके बाद एक परत और पाई जाती है, वो किस में होती है, जीवाणुओं में। तो ये पॉइंट आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कितने प्रकार का राइबोसोम होता है, तो इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जो 50S प्लस 30S से मिलकर बना होता है। बड़ी यूनिट जो होती है वो 50S होती है, और छोटी होती है वो 30S होती है। एस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको जब राइबोसोम पढ़ाएंगे पूरा, तब हम आपको ये चीज़ बताएंगे अच्छे से, तो हमारे साथ लगातार बने रहेगा। तो 70S क्या होता है, 70S प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी होती है उन सभी में 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है, 80S प्रकार का। ठीक है, इनमें कौन कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला। इनमें निम्न कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी ये कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। गोल्जी काय, अंतःप्रतिभी जालिका, हरित लवक, लाइसोसोम, ये कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। किस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि राइबोसोम इसमें होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए सहायक है। ठीक है, तो ये कोशिकांग जो है इसमें नहीं पाए जाते, इनको याद कर लें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम पाए जाते हैं जो किसकी तरह कार्य करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं, यानी श्वसन का काम करते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती उन सभी में मीसोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कसाबिका यानी फ्लैंजला पाए जाते हैं, फ्लैंजलम, जो चलने में सहायक होते हैं। ये भी पॉइंट हमने आपको आगे बताया था। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आवरण 3 परतों से घिरा होता है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आवरण होता है वो 3 परतों से घिरा हुआ होता है। चलिए अब बात करते हैं कितनी परतें हैं, तो सबसे जीवाणु की जो बाहरी परत होती है, अभी हमने आपको बताया था, वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं। जीवाणु में बाहरी परत जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। मध्य परत जो होती है वो कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं पेपिटोग्लाइकेन। जो मध्य भित्ति यानी कोशिका भित्ति जो जीवाणु की होती है वो इस पदार्थ से मिलकर बनी होती है, जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अंतः परत जो होती है वो जीव द्रव्य कला कहलाती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। बैक्टीरिया हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक बार एक वीडियो और लेकर आएंगे अच्छे से, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इनके बारे में अलग से आपके लिए वीडियो ले आएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जीवाणु का, जीवाणु से होने वाले रोग वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, और वहीं पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब भी लेकर आएंगे तो जीवाणु का अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। यदि आपको वापस समझ में ना आया हो तो ये चित्र हम आपके लिए एक और लेकर आए, इसे भी आप देख सकते हो। ये इसका कसाब है, ये इसके प्लाज्मिड, और ये राइबोसोम इसमें आपको दिखाई दे, ये न्यूक्लियोइड है, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, सीलिया, और जीवाणु में पाया जाने वाला जो अतिरिक्त डीएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चित्र भी आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए होमवर्क में लाए, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि
इसमें एक क्वेश्चन और एक पॉइंट रह गया हमारा, जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जीवाणुओं में जो वैसे जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपको पता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जीवाणुओं की जो जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, केवल डीएनए से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रोकैरियोटिक में कौन से झिल्ली रहित कोशिकांगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे कोशिकांगों के नाम बताना है जो झिल्ली रहित कोशिकांग अनुपस्थित हैं। कौन कौन से कोशिकांगे जो उसमें नहीं पाए जाते, उनके नाम सभी के बताना है आपको। इसी वीडियो में हमने आपको बताए, दो क्वेश्चन और हैं उनको भी सुनते जाना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीवाणु की बाहरी परत का नाम बताओ। जीवाणु की बाहरी परत किससे मिलकर बनी होती है? तीसरा क्वेश्चन, ये वीडियो नंबर फर्स्ट से हमने लिया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और जो भी सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर देगा उसी का नाम कल हम वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सके। सबका वाला हो हमारी तरफ से, ठीक है। तो आशा हम आपसे यही करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का वो पूरा कंप्लीट करो, जिससे आपकी लाइव क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक कोशिका के साथ। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ओके, वंदे मातरम।